बूढ़ा पहाड़, यानी कोई जश्न नहीं, ना चेहरे पर खुशी और ना ही जिंदगी का उल्लास। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा, पथरीली सड़कें और सूखे पेड़। बेजान दरख्तों की ये कहानी उसी हिंदुस्तान की है जो दुनिया की तीसरी या छठा आर्थिक महाशक्ति की दावेदारी में उलझा है। मगर अब भी बूढ़ा पहाड़ में रहने वालों के लिए दिल्ली तो दूर की बात है, रांची आना भी एक चुनौती है। बूढ़ा पहाड़ की सुनसान वादियों में एक बार फिर नई सुबह की उम्मीदें जगी हैं। करीब 3 दशक तक माओवादियों के कब्जे में रहने वाले बूढ़ा पहाड़ की तस्वीर अब बदलने लगी है। कुछ महीने पहले तक यहाँ कोई नहीं आता था, दम तोड़ते सपने, आखिरी सांसें गिनती उम्मीदें और दिन के उजाले में भी पसरा सन्नाटा बूढ़ा पहाड़ में बसे लोगों की नियत बन चुकी है। उज्ज्वला योजना की प्रसिद्धि के बीच जलावन के लिए लकड़ियां बेचने कोसों दूर जाती कुपोषित बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीर अब भी विचलित करती है। सड़े पानी में मछलियां ढूंढते ढूंढते छोटे बच्चे सरकार की हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा योजना की सच्चाई बताते हैं। दिन भर पेड़ की छांव में तलाश के पत्ते में उलझे युवा सरकार के हर व्यक्ति रोजगार के दावे की पोल खोलते नजर आते हैं। खेतों में दौड़ती भागती बच्चियों के लिए किशोरावस्था में पहुंचने के साथ ही मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ पर आप पहुंचेंगे तो आप खुद को कोसते नजर आएंगे कि आखिर ऐसे इलाके में जाने का दुर्भाग्यपूर्ण मौका क्यों मिला। ऐसे इलाके में नहीं जाना ही दिलो दिमाग के लिए ठीक होता, ये किसी दूसरी दुनिया या दूसरे ग्रह की बात नहीं है। अपने ही राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक बूढ़ा पहाड़ की ये सच्चाई है। आप यदि बूढ़ा पहाड़ में कुछ घंटे या कुछ वक्त गुजार आते हैं और आपने जो देखा उसे नहीं बताना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। देश के सबसे पिछड़े जिलों से एक लातेहार के पिछड़ेपन की कैसी तस्वीर आंखों के सामने से हटेगी नहीं, जिसे लिखना भी लगभग नामुमकिन है। यही कारण है जब 30 साल बाद बूढ़ा पर सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे पुलिस प्रशासनिक महकमे के साथ पहुंचे तो वो भी चौंक गए। हेमंत सोरेन ने खुद कहा, बूढ़ा पहाड़ के लोगों के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंचना भी मुश्किल है। बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे नवाड़ी, चरहू और तिसिया समेत कई गांव ऐसे हैं जहां 30 सालों में लोगों का जीवन ठहर सा गया है। माओवादियों ने पूरे इलाके को इस तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था जहां उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। खौफ का मंजर ऐसा था कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो दूर, सुरक्षा बल के जवान भी इलाके में नहीं जाते थे। बूढ़ा पहाड़ में रहने वाले एक पूरी युवा पीढ़ी की जिंदगी तबाह हो गई। 30 साल पहले जिन युवाओं ने अपने घर परिवार के लिए सपना देखा था, वे सारे सपने चकनाचूर हो गए। बुजुर्ग बिना इलाज के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी ठीक से नहीं मिल पाई, लेकिन अब इस इलाके की सूरत बदलने लगी है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में बसे कई गांवों में अब बाजार सजने लगे हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण माओवादियों का खौफ खत्म होने लगा है। सुरक्षा कर्मी भी बुनियादी जरूरतों के सामान की खरीदारी गांव की छोटी छोटी दुकानों से करने लगे हैं। सामानों की बिक्री बढ़ने से गांव के लोगों को आर्थिक मदद भी मिलने लगी है। सुरक्षा बलों के कैंप में दूध, दही, सब्जी और दूसरे सामान गांव से पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलने के कारण खेत, किसान और पशुपालन की मदद से भी ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं, यानी कि गांव वाले अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं तालाब, डोभा और सड़क निर्माण समेत कई योजनाओं के कारण स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिल पा रहा है, जिसके कारण पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। लातेहार के एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में श्रमदान कर बूढ़ा पहाड़ के गांवों तक पहुंचने के लिए 3 पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। कच्ची सड़क की भी मरम्मत की गई। अब ग्रामीण आसानी से साइकिल और मोटरसाइकिल से आवागमन करने लगे हैं, जबकि सड़क पहले से बेहतर होने के कारण ग्रामीण दुकानदार जरूरत के सामान भाड़े के वाहन से गांव तक ले जाने लगे हैं। माओवादियों ने करीब 30 सालों तक बूढ़ा पहाड़ पर कब्जा बनाए रखा। बूढ़ा पहाड़ इलाके से ही माओवादी छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कई इलाकों में नक्सली वारदात को अंजाम देते थे, फिर सुरक्षित ठिकानों में छुप जाते थे। वहीं इस पूरे इलाके में बीड़ी पत्ता का कारोबार करने वाले ठेकेदारों से भी हर साल
करोड़ों रुपयों की रंगदारी वसूलते थे। इलाके में जो भी सरकारी योजनाएं चलती थीं, उसका एक हिस्सा माओवादियों के पास चला जाता था। लेकिन अब बूढ़ा पहाड़ इलाके से माओवादियों का कब्जा समाप्त हो चुका है। इससे उनके अर्थतंत्र को भी तगड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के अलावा पैसे के अभाव में संगठन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बूढ़ा पहाड़ की सुबह कभी आईईडी ब्लास्ट और गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू होती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब बूढ़ा पहाड़ के कई गांवों में सुबह की शुरुआत स्कूल जाने वाले बच्चों की चहचहाहट से होती है। बूढ़ा पहाड़ के कुछ गांवों में रहने वाले बच्चे सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन में भी पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। सीआरपीएफ की ओर से बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा के साथ खेल कूद की भी व्यवस्था की गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।